वेलकम लीडर्स, आप सभी का स्वागत है एमएलएम गुरु जी यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हर एक वीडियो आप सभी की रिक्वेस्ट पर बनाया जाता है। वीडियो चुका है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं बनाते, हम फ्री वीडियो बनाते हैं, आप लिए जानकारी जुटाते हैं और आपको बताते हैं। इसे चैनल को ले सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहता हूँ, अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके उसका नाम बताएं, हम उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो बात करेंगे SBG के बारे में। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, वीडियो आ चुका है, वीडियो को पूरा जरूर देखें, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, स्कैम है रियल है, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड इनके जितने भी टोकन हैं सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों अगर बात करूं इनके अबाउट अस की, दोस्तों 15 जनवरी 2022 को यह सिस्टम यह कंपनी स्टार्ट हुई थी दुबई से एंड ये इन्वेस्टमेंट कराते हैं और इन्वेस्टमेंट के बदले आपको कुछ रिटर्न देते हैं और साथ में एक MLM प्लान भी रन कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ टोकन है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे एंड वैसे व्हाट इज़ SBG ग्लोबल के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपल शब्दों में समझा दिया है। रिपीट कर देते हैं, दुबई से स्टार्ट हुआ है 15 जनवरी 2022 को। आप जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं इनके पैकेज के हिसाब से ये आपको कुछ रिटर्न देते हैं और साथ में यहाँ पर MLM प्लान को भी रन किया जा रहा है, उसका भी बेनिफिट आप यहाँ पर ले सकते हैं। कितना जेन्युइन है वो सब मैं इस वीडियो में बताने ही वाला हूँ। दोस्तों बात करते हैं इनके इकोसिस्टम की। दोस्तों इकोसिस्टम के अंदर काफ़ी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं अपने एंड जैसे कि ब्लॉकचेन, एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो टोकन्स, क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो गेमिंग, NFT मार्केट प्लेस, रोबोट ट्रेडिंग, बहुत सारी चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं और शायद कुछ चीज़ें इनकी आ भी चुकी हैं। लेकिन दोस्तों लिखने से और आने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने कॉन्सेप्ट देखे हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि यह आने वाला है वो आने वाला है, लेकिन आता कुछ भी नहीं है। मैंने कह रहा कि ये नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि जो चीज़ें एक्चुअल में भी इनके पास है नहीं वर्तमान में हैं, हमें तो उन पर ही फोकस करना है। जो चीज़ आगे आएंगी उनको आगे देखेंगे। दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के ओनर की यानी फाउंडर की, मिस्टर अनिल यादव। एंड बात करें अगर इंटरनेशनल मार्केटिंग हेड की तो मिस्टर प्रवीण। लेकिन दोस्तों कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है यहाँ पर, कैसे इन्होंने अपने आप को जज किया कि मैं ओनर हूँ? जब कोई ठप्पा ही नहीं लगा किसी गवर्नमेंट का तो कैसे आप मान सकते हैं कि हाँ मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, मैं इस कंपनी का हेड हूँ? अपने आप में मानना और लिखित में होना धरती आसमान का फर्क होता है। इंडिया के अंदर यह लीगल नहीं है कॉन्सेप्ट, इंडिया के अंदर लीगल नहीं है। एंड अगर कल को यहाँ पर आपके साथ स्कैम होता है, खुदा ना खास्ता ना हो, लेकिन अगर होता है तो आपकी सुनवाई कहीं पर भी नहीं होगी, क्योंकि इंडिया के अंदर ना तो इलीगल है ना ही इनका कोई ऑफिस है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये दुबई बेस्ड है और तो दुबई में क्यों चला रहे हैं आप सभी जानते ही होंगे, नहीं जानते मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो स्कैम होते हैं क्रिप्टो के अंदर वो दुबई के अंदर ही होते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट इनको सपोर्ट भी करती है, इसलिए आपने देखा हो कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ स्कैम करती हैं क्रिप्टो के अंदर वो दुबई से ही होती है। और 2022 के अंदर तो बहुत ज़्यादा स्कैम हुए हैं और ज़्यादातर कंपनियाँ दुबई की ही थी। तो ये बोलना चाहता हूँ कि दुबई से जितने भी कॉन्सेप्ट चलते हैं प्लीज़ उन पर विश्वास बिल्कुल मत करें, क्योंकि अगर कल को आपके साथ स्कैम होता है तो सुनवाई कहीं पर भी नहीं होगी एंड जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी कोई सिक्योरिटी भी नहीं है यहाँ पर। एंड एयरबैग दे रहे हैं आपको, उसके बारे में भी आपको बताएंगे एयरबैग क्या होते हैं, मतलब ये आपको रिटर्न में क्या देते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी बता देंगे आपको। लेकिन इंडिया के अंदर लीगल नहीं है, चाहे किसी भी कंट्री के अंदर लीगल हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया के अंदर लीगल नहीं है और आप इंडिया से ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया की गवर्नमेंट से इसको कोई भी मान्यता नहीं मिली है। दोस्तों बात करते हैं पर SBG अचीवमेंट की। दोस्तों इनका कहना है कि 15 जनवरी 2022 को ये स्टार्ट हुई थी एंड जो SBG का जो पार्टिसिपेट हुआ था वो पहला हुआ था क्रिप्टो एक्सपो दुबई के अंदर, जहाँ पर इन्होंने 3 टोकन्स को लॉन्च किया था और एक न्यू रिकॉर्ड सेट किया था 16 मार्च 2022 को।
दोस्तों दुबई एक्सपो क्या होता है, यानी क्रिप्टो एक्सपो दुबई क्या है? आप वैसे तो यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए, एंड जो आप वीडियो में बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कुछ यूट्यूबर कि 1 करोड़ लगते हैं, करोड़ों रुपये लगते हैं इसमें एंट्री फीस के, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ एक बार जाके इसके ऊपर वीडियो देखिए कि क्रिप्टो एक्सपो दुबई क्या है, आपको खुद पता चल जाएगा। कुछ मैं भी आपको बता देता हूँ, काफ़ी कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एक तरह का इवेंट आप उसको बोल सकते हैं, मेला बोल सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ वहाँ पर आते हैं, लोग आते हैं वहाँ पर और पार्टिसिपेट करते हैं, एंड जो भी उनके पास होता है, जैसे कि मेले में आपने देखा होगा कि कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, तो उस टाइप का ही सीन वहाँ पर होता है। मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे आप वीडियोस जाके देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में समझना है तो, क्रिप्टो एक्सपो दुबई जिसको नहीं पता है तो। एंड उसके बाद इन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया सिंगापुर के अंदर 22 जून 2022 को, एंड फिर इन्होंने 5 अक्टूबर 2022 को थर्ड एक्सपो दुबई के अंदर फिर पार्टिसिपेट किया, और 7 अगस्त को ऑफिस, मेगा ऑफिस इन दुबई 7 अगस्त 2022 को इन्होंने ऑफिस किया, ऑफिस ओपन किया एंड दुबई के अंदर। तो ये इनका अचीवमेंट है, एंड आगे अचीवमेंट और बाद में देखेंगे, क्योंकि इससे आगे कोई अचीवमेंट इनका भी नहीं हुआ है, और इसी के बेस पे ये इस सिस्टम को चला रहे हैं। यानी पहले बड़ी बड़ी चीज़ें आपको दिखाई, उसके बाद आपको फंसाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप कहीं पर भी कुछ भी आप रिवॉर्ड अचीव करें उसका महत्व कब तक होता है, जब तक आप लोगों को रिजल्ट निकाल के नहीं देते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। अभी एक बाइट बस नाम का एक कॉन्सेप्ट आया था, वहाँ पर क्या था कि आप इन्वेस्टमेंट करते थे और वो आपको रिटर्न देते थे, और उनकी अगर आप प्रोफाइल की बात करेंगे ना तो इनसे भी बड़ी थी। उसको याहू फाइनेंस ने कवर कर रखा था, गूगल ने भी कवर कर रखा था, बहुत सारे जितने भी बड़ी बड़ी वेबसाइट है ना उस कंपनी को कवर कर रखा था, अमेरिका की कंपनी थी, और मैंने उनकी वेबसाइट भी चेक करी थी। उसके बावजूद भी मैंने बोला था कि यह स्कैम करने वाला है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं बाइट बस का, ये स्कैम करने वाला है, प्लीज़ अपना पैसा निकाल लीजिए, और ऐसा ही हुआ। इतनी बड़ी प्रोफाइल की कंपनी भी स्कैम करके गई, और ये मैं इनका रहा कि ये कोई सत्यवादी हैं, ये आपको पैसा देंगे ही, ये स्कैम नहीं करेंगे। यहाँ पर भी स्कैम होने के चांसेस 100% हैं। क्यों हैं मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इन्होंने पार्टिसिपेट कहीं पर भी किया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको इस बात का, हमें फ़र्क किस चीज़ से पड़ना चाहिए, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितना सिक्योर है, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हैं, आपको पैसा चाहिए, इससे ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ना चाहिए ना। इन्होंने चाहे कहीं अवार्ड जीते हो, रिवॉर्ड जीते हो, उससे में क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कल को अगर आपके साथ स्कैम हो गया तो अवार्ड का रिवॉर्ड का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। महत्व किसका रहता है, जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो कितना सेफ है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों बात करते हैं इनके रिवॉर्ड पैकेज की, एंड यहाँ पर काफ़ी पैकेज इन्होंने सोख रखे, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, टॉपाज, प्लेटिनम, और भी पैकेज हैं, एंड पैकेज का अमाउंट भी है 50 SBG, 100 SBG, 200, 500, 1000, 2000, आप इनको डॉलर में भी समझ सकते हैं, $50, $100, आपको समझना आसान हो जाएगा। स्टेक प्रॉफिट जो मिलता है हर एक पैकेज से, जो पहला पैकेज है उस पर 0.3% मिलेगा, और बाद के जितने पैकेज हैं 0.5% आपको डेली मिलेगा, 600 दिन तक मिलता रहेगा, एंड स्टेक प्रॉफिट परसेंटेज में अगर काउंट किया जाए तो 180%, और टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो 90 SBG आपको पहले पैकेज से, एंड दूसरे पैकेज से आपको 300 SBG, तीसरे से 600, एंड ऐसे ही चार्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर आप इसको रीस्टेक करते हैं, पैसा निकालते नहीं रीस्टेक करते जाते हैं, तो 600% तक का बेनिफिट आपको मिलता है, यानी 300 SBG आपको, जो 50 SBG आप लगाते हैं तो 300 SBG का प्रॉफिट आप रीस्टेक से ले सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, रीस्टेक बिल्कुल ही मत कीजिए, ये मूर्खता वाली बात होती है, क्योंकि एक आप ऐसे सिस्टम में पैसा लगा रहे हैं जो इंडिया के अंदर बिल्कुल भी लीगल नहीं है, समझ लीजिए, जो इंडिया के अंदर लीगल नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। जहाँ पर इन्वेस्टमेंट वाली बात आ जाती है वहाँ पर रिस्क 100% हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने टाइम तक आपको रिटर्न दे जा रहा है, और जो आप पैसा लगाते हैं वो कितने टाइम तक आपको वापस आएगा। 0.5% ही ले लीजिए, 100 SBG अगर आप लगाते हैं तो 0.5% डेली आपको मिल रहा है, तो आपका ही पैसा रिटर्न आने में कितना टाइम लग रहा है, उस चीज़ को पहले आप काउंट कीजिए। तो पैकेज आपके सामने, उसके बाद इनके SBG VIP रिवॉर्ड पैकेज हैं। अगर आप वर्क करते हैं, अगर आप 5 डेक लगा देते हैं 21 दिन के अंदर,
तो जो पैकेज आपके पास होगा उसका स्टेक प्रॉफिट 1% हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 100 SBG वाला है तो 1% आपका हो जाएगा प्रॉफिट डेली का। ड्यूरेशन को कम कर दिया, प्रॉफिट आपको उतना ही मिलेगा जो पैकेज पहले 100 किए गए थे, लेकिन अब कम टाइम में मिलेगा, अब कम टाइम में मिलेगा। और रीस्टेक वाला भी फॉर्मूला वही है, यानी आपको 1% तक का बेनिफिट आपको दे रहे हैं हर एक पैकेज पे, ऐसा मान सकते हैं 1% का। कोई भी कंपनी, कोई भी सिस्टम अपने घर से पैसा नहीं देता है। इनके पास टोकन भले ही हो, टोकन भी तभी पंप करता है जब वहाँ पर उसमें पैसा डाला जाता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है, तभी उसका जो प्राइस है पंप होता है। उसका इस प्लान से कोई भी लेना देना नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर MLM के अंदर कोई भी कंपनी टोकन को लॉन्च करती है तो समझ लेना वहाँ पर स्कैम 100% होगा, और वह टोकन कभी भी रैंक अचीव नहीं कर पाएगा, अच्छी रैंक अचीव नहीं कर पाएगा। और मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो सब बात करते हैं इनके एयरबैग की, यानी काफ़ी वीडियोस में मैंने देखा कि जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये साथ में आपको क्या देते हैं, एयरबैग देते हैं। एयरबैग मतलब कुछ आपके टोकन देंगे, डॉज कॉइन या और टोकन देंगे, और आपका पैसा यहाँ से भी रिकवर हो सकता है, ऐसा कुछ बताते हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों ये वो बात हो गई कि आपसे पैसा लेकर आपकी झोली में चिल्लर डाल दिया है, क्योंकि जो ये बेबी डॉज आपको देते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जाके सर्च कीजिए कि आप जितने भी आपको ये करोड़ या जितने देते हैं डॉज कॉइन रीस्टेक पे या पैकेज बाई करने पे, उसका वैल्यू को काउंट कीजिए। अगर आप बोलेंगे फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो भाई साहब कुछ नहीं बढ़ने वाला। ये एक ऐसे टोकन है जिनकी वैल्यू कभी बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि इनकी सप्लाई ही इतनी है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इनकी वैल्यू कभी भी नहीं बढ़ेगी। याद रखना मेरी बात को, मैं भी काफ़ी सालों से क्रिप्टो को देख रहा हूँ, बेबी डॉज को भी देख रहा हूँ, कभी वैल्यू नहीं बढ़ती इनकी। और अब तो आपको बताया क्रिप्टो मार्केट का हाल कैसा है। तो ऐसे एयरबैग को ये वो एयरबैग है जो काम नहीं करते गाड़ी के अंदर, लगा तो देते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, और आपका एक्सीडेंट 100% हो सकता है अगर आप ऐसी गाड़ी के एयरबैग यूज़ करेंगे तो, यानी ऐसी गाड़ी को यूज़ करेंगे तो। सिंपल सी बात है। तो जो भी एयरबैग आपको दे जा रहे हैं इनका कोई भी महत्व नहीं है। तो सो बात करें टाइप्स ऑफ प्रॉफिट की, स्पॉन्सर रिवॉर्ड, यूनिलेवल रिवॉर्ड एंड VIP रिवॉर्ड, ग्लोबल पूल रिवॉर्ड, चार टाइप के बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं। तो सो बात करते हैं पर SBG स्पॉन्सर रिवॉर्ड की, तो 5% आपको SBG स्पॉन्सर रिवॉर्ड मिलता है एवरी डायरेक्ट पे, 5% का बेनिफिट, प्लस आपको 10,000 CBINU भी दिए जा रहे हैं। चलो CBINU ठीक ठाक है, इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहता, CBINU ठीक है, ठीक बोल सकते हैं, इतना एक क्लास भी नहीं है CBINU को कह सकता हूँ मैं, हाँ कुछ है लेकिन बेबी डोज कुछ नहीं है। CBINU को आप कहना कर सकते हैं, ये एयरबैग के नाम पे इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड 5% का आपको यहाँ पर स्पॉन्सर रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो सो बात करते हैं पर SBG कम्युनिटी यानी यूनिलेवल रिवॉर्ड की, 20 लेवल तक आपको बेनिफिट दिया जाएगा टीम से, यानी जितना भी आपकी टीम डेली बेसिस पे अर्न करेगी उसका ये परसेंटेज है। 20% पहले लेवल से, सेकेंड लेवल से 15, थर्ड लेवल से 12, फिर 10, स्टार्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं उसका। दोस्तों यहाँ पर VIP रैंक अचीवमेंट भी है, यहाँ पर कुछ आपको रैंक दी जाएंगी, आपको वो बिजनेस देना है और आपका जो यूनी लेवल का है परसेंटेज है वो अपग्रेड हो जाएगा। एंड जैसे कि एक्सपर्ट है 50,000 BSD का आपको मिनिमम बिजनेस देना है, 1% की बढ़ोतरी मिल जाएगी, प्रो पे 2%, स्टार पे 4%, चार्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और इन्होंने रिवॉर्ड का एग्जाम्पल भी साइड में दे रखा है। उसका दोस्तों यहाँ पर ग्लोबल पूल रिवॉर्ड है, एंड यहाँ पर भी आपको रिवॉर्ड के नेम 2-स्टार 3-स्टार 4-स्टार और बिजनेस देना है, कंपनी के टर्नओवर का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था भी रिवॉर्ड एक उसमें कंडीशंस है, इसमें भी कंडीशन है, उसको आप पढ़ सकते हैं। डिटेल में तो मैं आपको प्लान बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि दे क्या रहे हैं। तो दोस्तों ये इनके बिजनेस प्लान की इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं इनके टोकन की, तो 3 टोकन इनके पास हैं फिलहाल, सारे टोकन सेम से ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है तीनों के अंदर, लेकिन जो पहला टोकन है इनका BGVT, इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका क्या जो ग्राफ है क्या है आज के टाइम के अंदर, क्या ये फ्यूचर में आपको ज़्यादा पैसा दे पाएगा, और इनको 3-3 टोकन बनाने की ज़रूरत भी क्या थी, एक ही अच्छा सा टोकन बना देते उसी से बेड़ा पार हो जाता, लेकिन 3-3 टोकन बनाएं, चलो उनका माइंड है क्यों बनाएं। लेकिन जो पहला टोकन है उसको मैं दिखाता हूँ कि उसकी कितनी सच्चाई है, और सारे टोकन इनके सेम ही हैं।
तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं कॉइन मार्केट कैप पर। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। एंड हम आ चुके हैं कॉइन मार्केट कैप पर। प्राइस आप देख सकते हैं 0.01771। ग्राफ देखिए, जो इसका एक्चुअल प्राइस था उससे काफ़ी डाउन में चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है, जब से स्टार्ट हुआ तब से डाउन ही चल रहा है। ये कॉइन मार्केट कैप का ग्राफ है। एंड अगर बात करें और इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर मार्केट कैप देखिए, जो बिल्कुल वेरीफाइड नहीं किया गया मार्केट कैप के, जो कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट है इसके द्वारा इनका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पर इन्होंने वेरीफाइड नहीं किया है। वॉल्यूम देख सकते हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर शो नहीं की गई है। मैक्सिमम सप्लाई 21 बिलियन, टोटल सप्लाई 70 बिलियन एंड ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो। रैंक देखिए, दुबई एक्सपो के अंदर पार्टिसिपेट किया था। रैंक देखिए, ऐसी इससे अच्छी रैंक तो मैं अगर आज टोकन बनाऊँ ना उसकी आ जाएगी। 2661 रैंक है, क्या कहेंगे आप ऐसे टोकन को, और क्या फ़ायदा दुबई एक्सपो में पार्टिसिपेट करने का। ये है इनकी टोकन की सच्चाई। ये टोकन आप भी बना सकते हैं, काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। ये टोकन के नाम पे ना आपको लूटने आते हैं, सीधा बता रहा हूँ, टोकन के नाम पे आपको लूटा जाता है यहाँ पर, और आप पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं जो भी कोई कंपनी कोई टोकन लेके आती है। तो इन्होंने जो ब्लॉकचेन का यूज़ किया है वो है BNB स्मार्ट चेन। चलो उनकी वेबसाइट पे चलते हैं और आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ कि कैसे स्कैम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने कर लिया है इनका टोकन को स्कैम, आ चुके हैं ये टोकन के ऊपर। एंड सप्लाई यहाँ पर शो की गई है, जो वहाँ पर भी शो की गई थी। होल्डर्स देखिए, 5193 एड्रेस पे इनका टोकन पड़ा हुआ है, कोई ज़्यादा नहीं है। एक ख़त्म से ख़त्म टोकन पर भी बहुत सारे होल्डर्स हो जाते हैं, इनके ज़्यादा नहीं है। एंड सोशल प्रोफाइल भी अपडेट कर रखी है। अब बात करते हैं यहाँ पर होल्डर्स की, कि कितनी सप्लाई किसके पास पड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 35% एक एड्रेस पे, 20% एक एड्रेस पे, 13% एक एड्रेस पे, 9% एक एड्रेस पे, 3% फिर एक और एड्रेस पे है। यानी कुल मिला के देखा जाए जितनी भी टोकन की सप्लाई होती है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो बड़ी सप्लाई है वो एक एड्रेस पे पड़ी हुई है। क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस पंप होता है किसी भी टोकन का, तो यहाँ आपको बताते हैं, आप लोग पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि देखिए इसका प्राइस तो पंप हो रहा है, आप एक साल में करोड़पति बन जाएंगे, दो साल में आप अरबपति बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जिनके पास ज़्यादा सप्लाई होती है ना, वो प्राइस को डंप कर देते हैं। और ऐसा ATC कॉइन के अंदर भी हुआ था, सुभाष जेवरिया ATC कॉइन, अगर आपको याद होगा तो। प्राइस को पंप करते हैं, लिक्विडिटी आप प्रोवाइड कराते हैं, पैसा आप डालते हैं इसको टोकन के अंदर, इसका प्राइस पंप होता है, लोग देखते हैं वो भी डालते हैं, फिर जिसके पास ज़्यादा सप्लाई होती है वो अपना पैसा निकाल लेता है, यानी अपनी सप्लाई को सेल कर देता है और प्राइस धड़ाम से नीचे, और आप सभी का लॉस। ऐसा होता है टोकन के अंदर, आप खुद ही देख सकते हैं 35% सप्लाई एक एड्रेस पे पड़ी हुई है। तो बिग बुल तो यही हुआ ना, ये कुछ भी कर सकता है बंदा, 20% वाला कुछ भी कर सकता है, 13% वाला कुछ भी कर सकता है, 9% वाला कुछ भी कर सकता है। तो ये है इनका टोकन, यानी टोकन के नाम पर आप सभी को क्या है, लूटा जा रहा है। ये टोकन है, हमने 3 टोकन लॉन्च कर दिए, एक टोकन तो सही चल नहीं रहा है इनका, 3 टोकन बना रहे हैं, मतलब खाली बड़ी बड़ी प्रोफाइल दिखा रहे हैं, ये बोलना चाहता हूँ। टोकन में दम नहीं है, जो प्लान बनाया इन्होंने MLM वाला उसमें दम नहीं है। 1% आपको डेली दे रहे हैं, इससे तो अच्छा है आप है ना क्रिप्टो में पैसा लगा दीजिए, इन क्रिप्टो मतलब आप डायरेक्ट है ना एक्सचेंज में पैसा लगा दीजिए, बिटकॉइन खरीदिए, इससे ज़्यादा प्रॉफिट कर लोगे और वहाँ पर रिस्क भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट कर लोगे। ये टोटली स्कैम है, आज नहीं तो कल यहाँ पर भी आपके साथ स्कैम होगा, याद रखना मेरी बात को। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि सबसे ज़्यादा जो स्कैम होते हैं वो दुबई के अंदर होते हैं, उसका मैंने आपको एक प्रूफ भी शो कर दिया है, बिगेस्ट क्रिप्टो स्कैम इन दुबई। और मैंने आपको पहले ही बताया था और आज भी बता रहा हूँ और हर एक वीडियो में बताता हूँ कि दुबई के अंदर सबसे ज़्यादा स्कैम होता है क्रिप्टो के अंदर। तो इसलिए सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, चाहे कोई भी कंपनी अपनी कितनी भी बड़ी प्रोफाइल दिखाती हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वह कितना सेफ है उससे फ़र्क पड़ना चाहिए आपको। तो यही बोलना चाहता हूँ कि जो SBG है वहाँ पर जो रिस्क है वो 100% है, दुबई से रन कर रहे हैं, इंडिया के अंदर लीगल नहीं है, सबसे पहला प्रूफ तो यही है।
आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, दूसरा प्रूफ ये है। तीसरा प्रूफ ये है, जो जितने भी टोकन इन्होंने लॉन्च किए हैं वो सारे के सारे स्कैम हैं, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है, बस वो खाली एक दिखावा है ताकि आपकी जेब से पैसा निकले। तो ये मैंने आपको तीन पॉइंट बता दिए हैं जिस बेस पे SBG ग्लोबल टोटल स्कैम प्लेटफॉर्म है। वो इंडिया के अंदर से भी इसको स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन उनको भी पता है कि कल को अगर स्कैम हुआ, लोगों का पैसा हम लेकर भागेंगे तो दुबई में वो बच जाएंगे, लेकिन इंडिया के अंदर वो बचने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने दुबई से स्टार्ट किया। और आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका, टाइम आपका, टीम आपकी, आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो डायरेक्ट आप क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, सीखिए, SBG से ज़्यादा प्रॉफिट आप वहाँ पर कमा लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ वहाँ पर कमा लेंगे। केवल आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है, किसी और क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना है। बस मेरी राय तो यही है आप सभी के लिए।